मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन यानी कि MPCA में आगामी 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसमें एक बार फिर से अभिलाष खांडेकर MPCA के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। खांडेकर दूसरी बार मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के पहले पत्रकार व गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। देखिए खास रिपोर्ट। MPCA में हुआ 3 साल के लिए नई कार्यकारिणी का निर्वाचन। निर्विरोध हुए निर्वाचन में अभिलाष खांडेकर चुने गए अध्यक्ष, सचिव बने संजीव राव तो उपाध्यक्ष बने रमणिक आहूजा। खांडेकर की अध्यक्षता में MPCA ने छुए सफलता के नए आयाम। क्रिकेट के इतिहास में अभिलाष खांडेकर देश के दूसरे और मध्य प्रदेश के पहले अध्यक्ष हैं जो पत्रकारिता क्षेत्र से हैं। इसके साथ ही खांडेकर दूसरी बार मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने वाले देश के पहले पत्रकार व गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। उनके साथ सचिव पद पर संजीव राव, उपाध्यक्ष रमणिक आहूजा, कोषाध्यक्ष पवन जैन और संयुक्त सचिव सिद्धियामी पाटनी भी निर्विरोध चुने गए। हाँ, निर्विरोध चुनी गई है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के लिए, क्योंकि छोटा सा हमारा परिवार है जिसमें इलेक्शन के चलते अन्य सली गुटिया राजनीति हावी हो जाती है और क्रिकेट की तरफ से ध्यान हट जाता है। तो हमारा यह प्रयास रहा था, उसमें हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री सिंधिया जी ने भी काफ़ी मेहनत करी, हमारे संजय जगदाली जी, बाकी सब लोगों ने यूनैनिमिटी के लिए प्रयास किए और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस वक्त की AGM के पहले जो मतलब 3 साल हमारे पूरे हो गए उसके लिए, जो चुनाव से इतर क्रिकेट के कंट्रीब्यूशन के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है उनको मैं आज AGM की जब हमारी नई कमेटी वापस सिलेक्ट हो गई है उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। तो पहले 5 ऑफिस बेयरर्स जिसका इम्पोर्टेंट वो है वो मैं आपको बता देता हूँ। श्री अभिलाष खांडेकर, मतलब मैं श्री का बोल रहा है उसमें, अभिलाष खांडेकर, उपाध्यक्ष रमणीक सिंह सलूजा, सचिव संजीव राव, कोषाध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन और संयुक्त सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी सिद्धियानी पाटनी। ये पिछले वक्त की टीम है जो 2019 में जीती थी, वो के वही ऑफिस बेयरर्स रिपीट हुए हैं। कार्यकारिणी में कोई बदलाव नहीं है ज़्यादा, जो डिवीजन का हमारा रोटेशन है। बतौर MPCA अध्यक्ष खांडेकर एवं उनकी टीम की पहली पारी शानदार उपलब्धियों से परिपूर्ण रही है। लगभग 47 साल बाद पहली बार मध्य प्रदेश को रणजी ट्रॉफी विजेता का खिताब मिलना उपलब्धि की फहरिस्त में एक गोल्डन हिस्ट्री है। अभिलाष खांडेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि से न होते हुए भी अपने कौशल से क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यों को प्रभावी रूप से आगे बढ़ाते हुए क्रिकेटर्स को एक बेहतर वातावरण देने की पुरजोर कोशिश करते हैं और यही कारण है कि खांडेकर के नेतृत्व में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की चमक पहले से और अधिक चमकदार हुई है। इसी के साथ महिला क्रिकेट को बढ़ावा देना टीम खांडेकर के कार्यकाल की बड़ी सफलता कही जाएगी। इसी टीम के विजन, प्रोसेस और एग्जीक्यूशन की बदौलत मध्य प्रदेश का क्रिकेट अब भारत भर में अपनी योग्यता का लोहा मनवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।